ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपने शोरूम से एक बंदे को रेसिंग बाइक डिलीवर करी थी और उसके बदले उसने मेरे को दिए थे पूरे के पूरे $5,00,000। तभी यार मेरे को बिग माफिया के भाई का कॉल आया और गाइस इस टाइम ना वो चाहता कि हम लोग उसके लिए लॉस सैंटोस गवर्नमेंट फैसिलिटी जाकर वहां से डेटा सर्वर्स चुरा लें, वो भी स्वैट सोल्जर्स और मिलिट्री सोल्जर्स के। अब गाइस देखो, इससे क्या होगा ना कि जितने भी मिलिट्री के सीक्रेट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे और हम लोग मिलिट्री कर्नल को धमकी दे सकते हैं कि अगर अब तू हमें मारने की कोशिश करेगा या फिर बिग माफिया के भाई को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा तो हम लोग ये सब लीक कर देंगे। और भाई इस चीज की वजह से मिलिट्री कर्नल डरेगा नहीं, बट उसे डरना पड़ेगा वरना उसकी नाक कट जाएगी। तो अभी फिलहाल जो पूरी गेम है हमारे हाथ में आ चुकी है, लेकिन मिलिट्री वाले भाई हमें छोड़ेंगे नहीं। वैसे अच्छी बात तो यह है कि अभी उन्हें मालूम नहीं पड़ा है कि ये जो काम है माइकल ने करा है और ये ट्रेवर भाई अलग ही दुनिया में है। खैर छोड़ो, कोई नहीं, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं यहां पर ना गाइस। अभी हम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि लास्ट टाइम ने वहां पर जाके बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करके सर्वर चुरा लिए थे, बट पुलिस इतनी बुरी तरह पीछे पड़ी है कि पता नहीं हम लोग कहां पर आकर रुके हैं। फिलहाल लास्ट टाइम एक टनल में छुप गया था, बट पास में ही नहीं एक चीज छोटा सा गांव था, मैं यहां पर आ गया। अब ये छोटा सा गांव भी नहीं भाई, एकदम खत्म गांव है, यहां एक बंदा भी मेरे को नजर नहीं आया पिछले 3 घंटे से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर ड्राइवर भी पीछे से भाग कर आ गया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पानी वाले रास्ते से आया क्यों। तो खैर छोड़ो, अभी फिलहाल यहां पर फ्रैंकलिन और लेस्टर भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं। इनको ना गाइस यहाँ पर मैंने मतलब कि हेलीकॉप्टर से आने के लिए मना कर दिया था क्योंकि अभी पुलिस वालों से हमें काफी ज्यादा खतरा है। और गाइस अभी ना लेस्टर ने मैं बोला कि तुम लोग अपने कपड़े भी बदल लो। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर और मैंने अपने अपने कपड़े तो नहीं बदले हैं, लेकिन जो ऊपर पुलिस की शर्ट थी ना वो जरूर उतार दी है। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग जब गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर गए थे डेटा सर्वर चुराने के लिए, तो हमने फेक पुलिस ऑफिसर का ड्रेसअप करा था, साथ में फेक बियर्ड भी लगाई थी ताकि वहां पर कोई भी हमें पहचान ना पाए वरना बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो अभी ना गाइस हमने पूरी की पूरी जो भी ड्रेस थी वो उतार दिया है क्योंकि लेस्टर कह रहा है इस टाइम पूरे के पूरे लॉस सैंटोस क्या पूरे के पूरे पलीटो पूरे के पूरे सैन एंड्रियास में बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है, एक एक स्ट्रीट पर बस हम दोनों को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो खैर छोड़ो, अभी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अभी ना गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं लेकर निकल लेता हूं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार उसमें मिलिट्री कर्नल बहुत ज्यादा चालाक है, कहीं वो हमारा पता ना लगा ले, लेकिन यार लेस्टर का प्लान कभी फेल नहीं होता। बाकी यार एक चीज को देख के ना मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है और गाइस वो है ये वाली गाड़ी। मतलब यार पहले तो आप लोग इस गाड़ी का साइज देखो, ये एक एसयूवी के साथ साथ एक ऑफ रोड व्हीकल है। इसके टायर के बाद इसका आप गाड़ी में गैप देखो कितना ज्यादा ऊंचा है। बाकी यार गाड़ी पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है, साथ के साथ जितनी भी विंडोज है जितने भी ग्लास है सारे के सारे बुलेट प्रूफ भी हैं और एकदम ब्लैक भी है, यानी कि हम लोग बाहर अंदर से बाहर का देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर का नहीं देख सकते। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा हाईवे पर। और गाइस अभी ना लेस्टर कह रहा है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर गाड़ी रोकने के लिए बोलता है चेकिंग के लिए तो गाड़ी रोक देनी है क्योंकि वो लोग अभी हमें पहचान नहीं पाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर पुलिस वाले तो काफी सारे खड़े हैं बट अभी इनमें से किसी ने भी गाड़ी रोकने के लिए नहीं बोला। और गाइस बातों में मैं थोड़ा सा रोहंग पे आ गया हूँ, चलो कोई नहीं, साइड में चलाता हूँ, यहाँ वाले कट्स में एकदम आराम से राइट ले लेता हूँ। वैसे यार पुलिस तो एकदम हर जगह हर थोड़ी थोड़ी दूर पे काफी सारी खड़ी है तो मुझे इनसे थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा। अभी आप लोग यहीं पर रहो, मैं राइट से निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस। गाइस यार वैसे जो गाड़ी है ना देखने में तो एकदम बिग बस्टर सी है लेकिन चलने में यार ये एकदम ही मक्खन है। 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भगाता इसे मैं यहाँ तक ले आया। फिलहाल यहाँ पर भी एकदम दबा के पुलिस भरी पड़ी है और सामने की तरफ में मुझे दोबारा से रोकनी पड़ेगी गाइस चेकिंग करवाने के लिए। तो आ जाओ पुलिस ऑफिसर, चेक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी गाड़ी मैं और आगे ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर सामने वाला पुलिस ऑफिसर हमारी चेकिंग करने के लिए आ रहा है। बाकी वो भाई ये एक सेकेंड यहाँ पर गाइस लेस्टर, अब बता भाई क्या करूँ। एक सेकंड गाइस यहाँ पर इन्होंने सीधा फायर करना शुरू कर दिया, भाई हो गई गड़बड़, जो चीज मैं नहीं चाहता था गाइस वो हो चुकी है। यहाँ पर वो जो पीछे वाला हेलीकॉप्टर गाइस उसने सबसे पहले फायर करना शुरू कर दिया। अभी ना गाइस जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। भाई हमेशा पुलिस पीछे पड़ जा रही है, भाई दिन ही अपना खराब चल रहा है। बाकी ये लोग ने हमें पहचाना कैसे मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा हमें लग रहा है गाड़ी से उतरने के लिए उन्होंने बोला था पर मैं गाड़ी से उतरा नहीं, ये अपनी गड़बड़ हो सकती है शायद से। खैर छोड़ो अभी ना यार सबसे पहले अपनी गाड़ी को यहाँ पर एकदम अलग ही रास्ते से ले जाना पड़ेगा। बाकी यार एक सेकंड रुक जाओ, अगर मैं इस गाड़ी से आगे जाऊंगा ना तो इन लोग को हमारे ऊपर पूरा शक होने वाला है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, सबसे पहले ना गाइस अगर हम लोग अपनी गाड़ी चेंज कर लेंगे ना तो इनका सारा शक हमारे ऊपर से चले जाएगा। अपनी गाड़ी को ना गाइस जल्दी से मैं यहीं पर खड़ा करता हूँ। फ्रैंकलिन जल्दी से उतर, ट्रैवर सब लोग उतरो यार, अभी जल्दी से इस गाड़ी के अंदर बैठो और फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस। अबे यार बैनी ने मेरे को की दे रखी है फिर भी मैं गाड़ी यहाँ पर तोड़ता हूँ, जल्दी 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 करो यार। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी आकर बैठ चुका है, लेस्टर जल्दी से बैठ जाओ। चलो गाइस अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ, थोड़ा
रॉन्ग वे से जाएंगे, बट अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सामने की तरफ में जो पुलिस है उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जल्दी से बस मेरे को यहाँ से निकलना है। ले भाई चेक कर ले, आराम आराम से ले जाऊंगा, जब आप बोलोगे तब जाऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, तो चलो भाई अभी फटाफट यहाँ से निकल लेते। अगर दिक्कत होती तो गाड़ी से बाहर पकड़ के बाहर निकाल देते ये लोग। तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा वाइनवुड हिल्स, जहाँ पर लेस्टर का न्यू वाला हाउस है। अभी फिलहाल ये तीनों तो वहीं पर रुकने वाले हैं, क्योंकि यार इस टाइम पुलिस हमारे पीछे बहुत ही बुरी तरह हाथ धोकर पड़ी हुई है। और ये लेस्टर के घर के बाहर क्या कर रही है? अभी इनके आगे अगर हम लोग घर के अंदर जाएंगे तो इन लोग को मालूम पड़ जाएगा। वैसे घर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, बट हमारे पुलिस वाले पीछे हैं। चलो कोई नहीं, अभी वो लोग वहीं पर खड़े होकर थोड़ी बहुत ताका झाकी कर रहे हैं, जब तक हम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी से उतर के तुम तीनों एक काम करो, जल्दी से घर पर जाओ, क्योंकि गाइस अभी ना मेरे को शोरूम का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और गाइस अभी वो आपको बीच रास्ते में बताने वाला हूँ। खैर छोड़ो, अभी जल्दी से बाय बाय, तुम तीनों निकलो, मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन और ट्रेवर जा चुके हैं लेस्टर के न्यू वाले हाउस में, और गाइस वो लोग वहां पर बैठकर अपना थोड़ी बहुत प्लानिंग वगैरह करेंगे। और ये लोग को मेरे ऊपर ही क्यों शक हो रहा है भाई? एक सेकंड, यहां पर ना ये लोग माइकल के ऊपर ज्यादा शक करते हैं। खैर छोड़ो, अभी इनसे डरने की बात है नहीं, क्योंकि ये लोग अभी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा अपने शोरूम के लिए। और गाइस अभी ना बैनी पकैरा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ तो ही बताएगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी पकाते पकाते पहुंचने वाला हूँ सीधा अपने शोरूम के लिए। और गाइस अभी ना बैनी कह रहा है कि हमें नीचे शोरूम में जाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, बैनी जो है खुद ही ऊपर आ चुका है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर लेफ्ट मोड़ता हूँ। और गाइस ये जो गाड़ी है ना, मेरे को सबसे ज्यादा बेकार लगती है। इसमें अगर ड्रिफ्ट मारने की कोशिश करो ना तो भाई ये कुछ ज्यादा ही ड्रिफ्ट खा जाती है। तो भी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ और बात करते हैं बैनी से कि ऐसा आखिरकार कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जिसके लिए इसने हमें भागे दौड़े चले आने के लिए कहा। तो भी जल्दी से इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस, यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से बात हो चुकी है। और गाइस बैनी ने अपने शोरूम का बिजनेस बढ़ाने के लिए 50 फरारी ऑर्डर करी थी दूसरी कंट्री से, और गाइस वो सारी की सारी गाड़ियां ना टर्मिनल पर डिलीवर हो चुकी है। हमें वहां पर जाकर बस 50 से 60 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है और वो सारी की सारी गाड़ियां जो है लेकर आनी है। लेकिन गाइस अभी ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, बैनी ने ना सारी गाड़ियां ऑर्डर करने से पहले मेरे से बात भी नहीं करी थी। अब दिक्कत की बात ये नहीं है कि सारी गाड़ियां आ गई, दिक्कत की बात यह कि 50 फरारी खड़ी कहां पर करेंगे? अपने शोरूम में तो इतनी जगह नहीं है, बाकी इस पार्किंग में कर देंगे कोई भी चुरा कर ले जाएगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल एक मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, बट गाइस अभी वो मैं नहीं दे पाऊंगा। वो सरप्राइज ये है कि अपना ना गाइस एक बहुत बड़ा शोरूम बन रहा था गांव में, मतलब गांव भी नहीं कह सकते, शहर भी नहीं कह सकते, जहां पर मिलिट्री बेस की एंट्रेंस है ना उसी साइड पर एक बहुत बड़ा शोरूम बन रहा था। तो मैं सोच रहा था जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपको सरप्राइज करूंगा, पूरा दिखाऊंगा। लेकिन गाइस अभी ना सबसे पहले मुझे जाकर देखना पड़ेगा आखिरकार वो शोरूम कितना कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जितनी भी गाड़ी है ना अभी टेंपरेरी लाकर वहां पर खड़ी कर देंगे, क्योंकि गाइस वो जो जगह है ना बहुत सेफ है, वहां पर मतलब चोर वोर का उतना खतरा नहीं है। तो बिना बैनी को वहां पर लेकर चलते हैं, फिर सीधा चलेंगे टर्मिनल। अगर वहां पर जगह हुई उसके बाद टर्मिनल जाएंगे और वहां पर जितनी भी फरारी है सारी लेकर आएंगे, वरना तो गाइस हमें पार्किंग खरीदनी पड़ सकती है काफी टाइम के लिए। तो चलो यार अभी जल्दी से निकलते हैं सीधा गांव वाली साइड। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच चुका हूँ सबसे पहले लेस्टर की फैक्ट्री में, क्योंकि गाइस अभी ना मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेनी है, क्योंकि अगर इस गाड़ी से मैं जाऊंगा ना तो मैं अगले साल ही वहां पर पहुंचने वाला हूँ। और ये देखो भाई सब, ट्रेवर अभी तक अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ से नहीं ले गया भाई, उसको होश ही नहीं रहता अपनी गाड़ियों का। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से हम अपनी लैम्बोर्गिनी लेते हैं और फटाफट निकल लेते हैं सीधा उस गाँव के लिए। और यार इस गाड़ी से पहुंचने में तो हमें बिल्कुल भी टाइम लगने वाला, बैनी जल्दी से बैठ, अब बस तुम देखते जाओ यहाँ पर कितनी तेज में से भगा कर ले जाने वाला हूँ। वैसे बड़े दिनों बाद चला रहा हूँ यार, एक मिनट रुक जाओ बस। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल अपने शोरूम में जाने से पहले मैं थोड़े बहुत ढंग के कपड़े पहन लेता हूँ, मतलब यार इतने बड़े शोरूम का मालिक पहले दिन अपने शोरूम में जाएगा वो भी बनियान पहन के, तो फिर काफी ज्यादा अजीब लगेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं शॉप पर आ चुका हूँ, जहाँ से मैं हमेशा अपने लिए कोट पैंट लेता हूँ, और काफी ज्यादा बढ़िया कोट पैंट होते हैं इनके। तो गाइस अभी ना जल्दी चल के व्हाइट वाला कोट पैंट ले लेते हैं, जो कि अपना पर्सनल फेवरेट है। तो यहाँ पर फिलहाल इनके पास तो अभी ब्लैक वाले हैं, व्हाइट वाले भी होंगे उस साइड पर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने फिर से वही व्हाइट वाला कोट पैंट बाय कर लिया है, जो कि माइकल पे सबसे ज्यादा सूट करता है, और गाइस ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। तो गाइस अभी ना जल्दी से गाड़ी में बैठकर मैं निकल लेता हूँ सीधा अपने नए वाले शोरूम के लिए। और गाइस इस टाइम मैं अपनी गाड़ी को भगाने वाला हूँ बहुत ज्यादा तेज, मिनिमम 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। बस आप लोग यहाँ पर देखते जाओ, 200 तो मैंने यहीं पर चढ़ा दी, बस अभी एकदम आराम से यहाँ से लेफ्ट लेना है, फिर चलते सीधा शोरूम। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने शोरूम के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गया हूँ। लेकिन यार जो मैंने बात करी थी ना 350 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भगाने की, गाइस वो हाईवे पे पॉसिबल है, बट इस टाइप के जो माउंटेन वाले रोड है ना भाई, यहाँ तो इम्पॉसिबल है। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं उतनी स्पीड में गाड़ी भगाऊंगा ना तो सीधी सी बात है बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होगा, पूरी पूरी कार ही ब्लास्ट हो सकती है। तो इसलिए भी मैं अपनी गाड़ी को एकदम आराम आराम से लेकर जाने वाला हूँ। फिलहाल मेरे को यहाँ से लेफ्ट कट लेना है और आगे से एक राइट कट लेना है, और वो जो आप सामने की तरफ एक बड़ा सा टावर देख पा रहे हो ना गाइस, वही है अपना शोरूम। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को वहाँ पर लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि आखिरकार कितना काम कंप्लीट हो गया है और अभी कितना टाइम
लगने वाला है अपने शोरूम को कंप्लीट होने में। वैसे देखो अभी जो अपना बिजनेस है ना, मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा करना है, तो एक शोरूम से कोई काम नहीं होगा। अभी फिलहाल ये अभी तक का सबसे बड़ा शोरूम है, एक बार इसको खुलवा लेते हैं, उसके बाद और भी बड़े बड़े शोरूम हम लोग खोलते रहेंगे, जिससे कि हम और भी ज्यादा पैसा कमाते रहेंगे। तो फिलहाल ये देखो ये अपना शोरूम, और जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ना क्रोवैक्स ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे शोरूम का नाम हम लोग वहां पर बाद में लिखवा देंगे, अभी फिलहाल इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये लोग जैसा कर रहे हैं करने दो। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर चलता हूँ। तो गाइस सर देखो अभी ना फिलहाल ये जो रोड है ना अपने शोरूम तक का, ये तो कंप्लीट हो गया है, बट अभी ना ये इस वाले रोड से अटैच नहीं हुआ है, तो एक दो दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है सारे के सारे अभी इसी पे काम कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। तो भी ना गाइस जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से अंदर लेकर चलता हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी बड़ी बड़ी मशीन आ रही है अपने शोरूम को बनाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर पीछे एक क्रेन भी है, और इस साइड पर जितना भी सीमेंट वाले ट्रक होते हैं ना, मिक्सर इन्हें कहते हैं शायद से, तो ये दो के दो ट्रक यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल काफी सारे वर्कर लगे हुए हैं अपने शोरूम को कंप्लीट करने में, और गाइस आज ना इनको पेमेंट अगर मैं कर दूंगा तो फिर ये जल्दी जल्दी काम करेंगे और अपना शोरूम जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यार पैसे थोड़े संभाल के यूज करने हैं, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 300 मिलियन डॉलर ही बचे हैं, और बाकी मेरे को 60-70 मिलियन डॉलर अभी फरारी की जो पेमेंट है वो भी करनी है, और उसके बाद लोड कराकर यहां तक कैसे आएगी वो चीज भी देखनी पड़ेगी भाई, पता नहीं कितना पैसा लगने वाला है। बाकी ये जो शोरूम है ये तो गाइस खुद ही यहां पर 300 मिलियन डॉलर का है, तो चलो कोई नहीं, लेस्टर से भी थोड़ा बहुत उधार ले लेंगे। फिलहाल अभी यहां पर मैं अंदर आ चुका हूं, काम चल तो रहा है बट अभी पूरा का पूरा इनकम्प्लीट आप एक तरीके से कह सकते हो। यहाँ पर जितने भी बंदे भी मतलब कि मिरर का काम चल रहा है, यहाँ पर देखो मिरर जुड़ रहे हैं सारे के सारे। बाकी यहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग तो फिलहाल हो चुकी है, अब जो छोटी मोटी डिजाइनिंग का काम है ना, जैसे सजावट का, वो सब रह रहा है। फिलहाल ये जो शोरूम है ना गाइस, अभी जितने भी शोरूम बने ना अपने पहले, उन सबसे पूरा का पूरा बहुत ज्यादा अलग है। तो गाइस यार आखिरकार इस शोरूम का क्या सीन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे इस शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ेगा, और आप लोग सोच रहे हो यार देखने में तो यही ग्राउंड फ्लोर लग रहा है, बट यार ऐसा नहीं है, ये अपने शोरूम का फर्स्ट फ्लोर है। जो मेन रोड है ना गाइस वो उस साइड है, अगर आप उस साइड से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये फर्स्ट फ्लोर है, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है। तो गाइस देखो अपने शोरूम में ना तीन फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर मेन होगा मॉडिफिकेशन का काम, जहां पर बैनी रहेगा, और जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर आएगी सारी की सारी नई गाड़ी, और जो सेकंड फ्लोर है वहां पर मेन पेमेंट का काम होगा। अभी फिलहाल मैं आ चुका हूं ग्राउंड फ्लोर पर, और ये जो जगह यहां पर लिफ्ट वगैरह और तगड़ी वाली स्टेयर सब लग जाएगी, बट अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर ने टेंपरेरी लैडर लगा रखी है, मैंने बताया था ना यार इनकम्प्लीट है, तो यहां पर ये इतने बढ़िया वाले गेट भी लगवाया भाई, मजा आ जाता है। तो भी जल्दी से मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। तो यहां पर ना गाइस बैनी ने अपना काम तो कंप्लीट करवा लिया भाई, सच्ची में बैनी चाहे तो आज से ही मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर सकता है, बट अभी गाड़ी वाड़ी यहां पर लाने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये देखो यार यहां पर पूरा रिम का स्टॉक है, जितने भी रिम्स आते हैं एसयूवी के, और साथ में गाइस यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कितनी सारी पॉश लिफ्ट है। पहले अपने पास एक थी, अपने पास अब 6-7 है, यानी कि भाई यहां पर 7-7 गाड़ियां एक साथ मॉडिफाई हो सकती है। और बैनी ने गाइस अब अपनी टीम बनाने वाला है, मतलब कि अब हम काफी सारे बंदे रख लेंगे जो कि कार के मैकेनिक्स है सारे के सारे, जो कि गाड़ियां धड़ा इधर रिपेयर मारेंगे। और ये जो रास्ता है ना गाइस, ये अपना गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 1 वही है, बट ये जो गेट नंबर 2 है ना, ये सिर्फ उनके लिए जिन्हें गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है या फिर मॉडिफिकेशन करवानी है, वो लोग अपने यहीं से आएंगे और यहीं से चले जाएंगे, ऊपर उनका कोई काम नहीं है, बैनी वगैरह सारे पेमेंट कर लेगा। फिलहाल अभी ये जो रास्ता है ना गाइस बनना है, सामने एक वायर आ गई है, इस वजह से रास्ता में कहीं और से भी निकालना पड़ सकता है। तो अभी ये जो रास्ता है गाइस इनकम्प्लीट है, पता नहीं हम इसे कहां से ले जाएंगे, कहां से जुड़े हुए कुछ नहीं मालूम, जैसे तैसे चल रहा है, अभी बस शोरूम स्टार्ट करना है, और आज हमें लाला के सारी गाड़ियां यहां पर रखनी है, ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी सिर्फ और सिर्फ यही जगह है। और ऊपर की तरफ में आप ये जो देख पा रहे हो ना, बस अभी इतना ही कंप्लीट हुआ है, यहां तक आप देख लो भाई कितना ज्यादा तगड़ा है, बट अभी ऐसा ही ना सेम टू सेम आगे तक होगा तो लगेगी भाई असली लुक। फिलहाल अभी यहां पर ये देख लो भाई कितनी सही सही चीजें लगी है, ये सारा का सारा बैनी का सेटअप है, तगड़े तगड़े बंदे आएंगे अब जो अपनी गाड़ियां मॉडिफाई करेंगे। तो भी ना गाइस जल्दी से मैं वापस ऊपर चल के, आपने शायद से फर्स्ट फ्लोर तो देख ही लिया है, तो मैं सीधा आपको सेकंड फ्लोर दिखाने वाला हूं, बट फिर भी एक बार फर्स्ट फ्लोर पूरा दिखा देता हूं। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, फिर दिखाता हूं भाई, बहुत ज्यादा तगड़ा शोरूम है, और मेरे हिसाब से ना पूरे के पूरे सैन एंड्रियास का सबसे तगड़ा शोरूम है। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं आगे चलता हूं, शायद से मैंने आपको ये जो राइट वाला रूम है ना ये नहीं दिखाया था गाइस, ये भी एक बहुत बड़ा रूम है, और जितनी भी रॉयल कार होगी ना वो मैं सारी की सारी यहां पर रखूंगा, और इधर भी एक एकदम बढ़िया गेट लगेगा, यहां से मैं आपको बाहर का नजारा दिखा देता हूं। फिलहाल ये तो भी सब कुछ इनकम्प्लीट है, धीरे धीरे काम चल रहा है, सब कंप्लीट हो जाएगा, यहां से काफी ज्यादा बढ़िया नजारा आएगा भाई। अभी मैं आपको ऊपर भी चल के दिखाऊंगा कि कितना बड़ा शोरूम है ये ऊपर से देखने में। तो भी जल्दी से यहां पर मैं राइट चलता हूं, अब सीधा आपको दिखाता हूं मैं एक बारी ऊपर वाला फ्लोर, फिर हम लोग यहां से निकल लेते हैं सीधा गाड़ियां खरीदने और उसकी पेमेंट करने। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने शोरूम के सेकंड फ्लोर पर आ चुका हूं, और यहां पर आते ही आपको दो बड़े बड़े ऑफिस नजर आने वाले हैं। ये जो लेफ्ट वाला ऑफिस है ना, ये गाइस मैं दूंगा जिमी को, यानी जो माइकल का सन है, जितनी भी गाड़ियां बिकेंगी ना सारी की सारी पेमेंट वो ले लेगा। और ये जो राइट वाला ऑफिस है ये मेरा पर्सनल ऑफिस होगा, अब मुझे मालूम है मैं पूरे टाइम तो शोरूम में बैठे नहीं रहूंगा, बट फिर भी जब आऊंगा तो मैं इसी वाले ऑफिस में बैठूंगा। बाकी यार ये अपना मेन दूसरा एरिया है, यहां पर भी एक छोटा सा ऑफिस है, ये अगर हम कोई बंदा रखेंगे या फिर असिस्टेंट टाइप कुछ रखेंगे तो वो यहां पर आ जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत ना सिक्योरिटी भी
रखनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी वाड़ी चोरी होने का खतरा हो सकता है। वैसे ये जगह उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है बट फिर भी रखनी तो पड़ेगी। तो अभी जल्दी से यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ। बाकी तो यार ये अपना इतना ही बड़ा शोरूम है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी साइड से और दिखाता हूँ, फिर हम लोग फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। और बाकी बैनी मेरे को कन्फर्म पता है नीचे चला गया होगा अपनी मॉडिफिकेशन वगैरह करने। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कितना बड़ा डंप इधर खड़ा हुआ है। तो गाइस ये बेसिकली एक ट्रक टाइप है जिसके अंदर जितने भी पत्थर वत्थर होते हैं वो टूटा फूटा कंस्ट्रक्शन का सामान होता है ना, वो फेंकने वैकने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भाई इसके टायर कितने ज़्यादा बड़े हैं, मतलब कि यार माइकल की हाइट के डबल लग रहे हैं मेरे को तो। सिर्फ रिम तो माइकल के बराबर है, खैर छोड़ो वो तो बाद की बात है। तो यहाँ पर भी गाइस अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, क्रेन वगैरह आ रखी है, बाकी इधर का काम तो सारा इनकम्प्लीट है। तो चलो यार अभी हम लोग इधर से निकलते हैं, बाकी पौधे वोधे सब कटेंगे तब जाके बढ़िया लुक आएगी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैनी भी भाग कर आ चुका है। बाकी यार आप लोग यहाँ पर ये जो ब्रांडिंग देख पा रहे हो ना गैलेक्सी की, ये भी ऐसे टेम्परेरी लगा दिया देखने के लिए कि कैसी लग रही है। बाकी यार जो शोरूम का नाम है ना वो आप लोग कमेंट में बताना कि हमें क्या रखना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग रख ले माइकल मोटर्स, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। खैर छोड़ो कोई नहीं, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ सीधा टर्मिनल के लिए। वहां पर जाके भी पेमेंट करनी है फरारी की और इन लोग को भी पेमेंट करनी है, तभी ये लोग अपना शोरूम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। बाकी यार देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो। बाकी यार सामने की तरफ में भी नजारे काफी ज्यादा बढ़िया हैं। तो गाइस ये जो रोड वोड है ना अभी सारे बनेंगे, अभी फिलहाल आधा आधा काम है। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी यार अभी फटाफट से चलते हैं सीधा टर्मिनल पेमेंट करने। तो गाइस अब मैं अपनी लैम्बोर्गिनी चलाने वाला हूँ कुछ ज्यादा ही तेज। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी से यहाँ लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा जेटसैम टर्मिनल, जहाँ पर हमारी सारी की सारी फरारी कार डिलीवर हुई है। खैर छोड़ो जो भी, अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ और सीधा पेमेंट करते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अपने नए वाले शोरूम में। वैसे यार एक दिक्कत होगी, पैसे लाना तो मैं भूल ही गया हूं, लेकिन यार दिक्कत की बात क्या है, मॉडर्न जमाना है, हम लोग सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। और कोई बंदा भी है यहां पर गेट खोलने के लिए ऑटोमेटिकली खुल गया, चलो यार बढ़िया है। अभी ना गाइस जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर अंदर लेकर चलता हूं। और अभी बैनी कह रहा है कि जो मेन बंदा है जिससे हमें कार लेनी है वो आ गई है। वैसे ये जो डील है ना गाइस हमें लामार ने करवाई है। अब लामार आपको पता होगा फ्रैंकलिन का पुराना दोस्त भाई साहब, वो भी इसी सब बिजनेस में है। तो ये देखो भाई लामार भी यहां पर पहुंचा हुआ है और यही है वो बंदा जिससे हमें कार चाहिए है। वैसे यार सारी की सारी कार तो यहां पर आ गई है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस बंदे को मैंने पूरी की पूरी $70 million की पेमेंट कर दिया है। और गाइस इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी यहां तक डिलीवर करने के $10 million लिए हैं। पता नहीं यार ये कौन सी कंट्री से लेकर आया गाड़ियां। खैर छोड़ो जो भी है, पेमेंट हो गई और आज से सारी गाड़ियां हमारी हो गई। बाकी बैनी ने तो एक बारी गाड़ियां चेक कर लिया है, बट एक बारी मैं भी चेक कर लेता हूं। फिलहाल ये अपनी फरारी रेड कलर में, गाड़ी सारी की सारी बिल्कुल सेम है, बट ये जितनी भी गाड़ी है ना भाई आराम से बिक जाएगी क्योंकि इसकी लुक ही इतनी ज्यादा अच्छी है। बट हम एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से कलर कर देंगे। फिलहाल ये वाला कंटेनर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन यार देखो टोटल 50 गाड़ी की डील हुई थी, तो ये जो बाकी कंटेनर है अभी बंद है क्योंकि मेन यही 5 कलर है। ये बस चेक करने के लिए खोले थे कि गाड़ी एक बार चेक कर लो ओके या फिर नहीं। तो चलो यार अभी डील पूरी की पूरी हो गई, बाकी डील हमारी ये लामार ने करवाई है। ओ भाई साहब लामार के पास भी लैम्बोर्गिनी उरुस है यार, मेरे को भी अपनी एक लैम्बोर्गिनी उरुस लेनी पड़ेगी। खैर छोड़ो जो भी है, अभी देखते हैं कि आखिरकार ये गाड़ी हमारे शोरूम तक कैसे जाएगी। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लामार से बात हो चुकी है और गाइस लामार कह रहा है कि अगर इन गाड़ियों को हम लोग ट्रेलर के थ्रू अपने शोरूम तक ले जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा क्योंकि शोरूम भी बहुत दूर है, ऊपर से 50 गाड़ियां हैं, आने जाने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। तो लामार कह रहा है इससे बढ़िया एक रास्ता है, यहीं पर बगल में रेलवे ट्रैक है वहां तक गाड़ियां ले जाएंगे। एक ना ये ट्रेन का जुगाड़ करवाएगा उसी रेलवे ट्रैक पर और वो जो ट्रेन है ना गाइस अपने गांव तक चले जाएगी, वहीं पर जहां भी पास तक चले जाए। तो सीन क्या है, वो जो ट्रेन है ना गाइस उसके अंदर हमारी सारी की सारी गाड़ियां एक ही बार में लोड हो जाएगी, मतलब जितनी भी 50 गाड़ियां हैं सारी की सारी। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं यहां पर अपनी कार को लेकर चलता हूं पीछे की तरफ में। लामार कह रहा है कि बस अपनी गाड़ी कहीं पर साइड में पार्क कर दो, कोई छेड़ा छाड़ी ना करे, तो ये जगह बढ़िया यहां पर पार्क कर देते हैं। वैसे यहां पर कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, सबसे पहले यहां पर लॉक करा दो। अभी जल्दी से मैं चलता हूं सीधा लामार के पास, देखते हैं ये हमें कहां लेकर जाने वाला है। वैसे लामार भी काफी ज्यादा काम का बंदा निकला, इतने टाइम से हम लोग इससे बात नहीं करते थे लेकिन अब पता चल रहा है क्या चीज है, मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह जो कार की डीलरशिप है ना उस मामले में लामार बढ़िया बंदा है। बाकी तो यार यहां पर ये दोनों कौन लोग है भाई, तब से देख रहा हूं यहीं पर लगे हैं। फिलहाल पुलिस 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 नहीं, हमें कुछ नहीं कह रही। तो चल भाई लामार जल्दी से गाड़ी में बैठ। और ये गाइस ये जो लैम्बोर्गिनी है ना ये भी लामार की है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर लामार तो आ गया गाड़ी में बैठने, पीछे से बैनी भी भाग कर आ गया है। वैसे जो रेलवे ट्रैक है वो मैं बस देखने जा रहा हूँ कितना दूर है। अब यार ये जो काम है हमें करना ही पड़ेगा वरना ट्रेलर आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा हमें टाइम लगेगा। बाकी यार लामार की जो लैम्बोर्गिनी उरुस है ना उसका साउंड इतना तगड़ा नहीं लग रहा, जो बैनी ने हमारी लैम्बोर्गिनी उसमें एग्जॉस्ट लगाया था ना भाई वो था नेक्स्ट लेवल। फिलहाल यहाँ पर मेरे को रेलवे ट्रैक तो नहीं नजर आ रहा, बट एक बार मैं बाहर निकल कर देखता हूँ, यहाँ पर रास्ते तो काफी सारे हैं। बाकी जहाँ पर ट्रेन आ जाए, जहाँ ट्रैक पर ट्रेन आना पॉसिबल हो, बस हमें अपनी
गाड़ियों को वहां तक ले जाना है, फिर वहां से हम लोग ट्रेन पे लोड करवाएंगे। ये रहा रेलवे ट्रैक। तो चलो गाइस अभी यहां से जुगाड़ हो जाएगा, बट यहां तक ट्रेन नहीं आएगी। जो रेलवे ट्रैक है ना गाइस काफी ज्यादा पुराने हैं, तो उस पर ट्रेन आना एक टाइप से इम्पॉसिबल है। तो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहां पर मेरे को लामार ने एक जगह बताई है, कह रहा है अगर इस जगह पर हम लोग ट्रेन रोकेंगे ना तो काफी आराम से हम लोग उसके ऊपर अपनी गाड़ियों को लोड करवा सकते हैं। वैसे यार सच्ची में ये जगह मेरे को ज्यादा बेस्ट लग रहा है। ओ नहीं 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 भाई, पीछे से ट्रेन आ गई। भाई ये कैसा ट्रैक है, एकदम जमीन में घुसा पड़ा है, काफी ज्यादा बढ़िया बनाया है। आगे तो चलो नॉर्मल है बट यहाँ पर एकदम मस्त है। तो चलो अभी अपना जुगाड़ हो गया, बस हमें एक ट्रेन का जुगाड़ और करना पड़ेगा। भाई अभी ना सबसे पहले काम करते हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी ट्रंक है, मतलब जो कंटेनर्स है, उनसे गाड़ियां निकाल करना यहां तक लेकर आते हैं फटाफट से। अभी गाइस जल्दी से मैं अपनी लंबोर्गिनी और उसको लेकर निकल लेता हूं सीधा वापस से टर्मिनल पर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लंबोर्गिनी और उस भगाते भगाते पहुंच चुका हूं सीधा उसी जगह पर जहां पर हमारी सारी की सारी गाड़ियां डिलीवर हुई थी। उस शहर से गाइस अभी वो बंदा भी जा चुका है जिसको हमने पेमेंट करी है। तो चलो अभी फटाफट अपनी गाड़ी से मैं यहीं पर उतरता हूं। और ये लमार की कार थी, इसके अंदर मैंने क्यों लॉक करा दिया। सबसे पहले ना यहां पर अपनी जो रेड वाली कार है ना गाइस इसी को लेकर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जैसे तैसे करके मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूं। सबसे पहले ना गाइस अपनी गाड़ी को मैं यहां से बाहर निकालता हूं। ओ भाई साहब क्या लुक है यार इस कार की, मतलब अगर आपको मैं चारों तरफ से दिखाऊं ना तो भाई आप लोग भी कहोगे भाई चीज तो ये है। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से इस गाड़ी को मैं लेकर चलता हूं। एक गाड़ी वहां पर खड़ी कर कर आते हैं, फिर सारी एक एक करके ले जाएंगे। वैसे यार इस चीज में भी बहुत टाइम लगने वाला है, टोटल 50 गाड़ियां हैं। वैसे एक काम करता हूं, यहां पर लामार वामार को बोल देता हूं कि अपने दोस्त यार बुला ले, ग्रीन गैंग का बंदा 5 मिनट में काम हो जाएगा। चलो यार अभी जल्दी से लामार को बोलते हैं, अपना काम अभी गाइस 2 मिनट में लामार कंप्लीट करवा देगा। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता उसी जगह पर लेकर आ चुका हूँ जहाँ से मैं सारी की सारी गाड़ियाँ लोड करवानी है। वैसे यार अभी ना लामार को मैंने कॉल करके तो बोल दिया उसके दोस्त को बुलाने के लिए। एक सेकंड, मेरे को लग ही रहा था सामने से ट्रेन आ रही है, रुक जाओ। ये जगह ना गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो हम लोग अपनी गाड़ियों को ना इस साइड पर अपना पार्क करने वाले हैं। बस इस तरीके से ट्रेन जाएगी। तो अभी ना गाइस हमें पहले तो एक ट्रेन का जुगाड़ करना है। लामार कह रहा है वो भी करवा रहा है, तो सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पर मूव करवा रहा है बस 5 मिनट के अंदर। तो चलो यार अभी जब तक हम लोग दोबारा से चलते हैं वहाँ पर और लामार का वेट करते हैं। तो ओकी गाइस अभी अभी ना फिलहाल मेरे को यहाँ पर लामार का कॉल आया था, और गाइस लामार कह रहा है कि उसने एक ऐसी ट्रेन का जुगाड़ करवा दिया है जिसके अंदर हम लोग आराम से अपनी 50 सुपर कार्स को लोड करवा सकते हैं। तो उसने एक लोकेशन दिया है, बस हमें वहाँ से जाकर वाली जो ट्रेन है इधर लेकर आनी है। तो गाइस अभी जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, बाकी यार मेरे को एक गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा। अंदर पार्किंग में काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ पर इनमें से मैं कोई भी गाड़ी उठा लेता हूँ। वैसे ये वाली जो कार है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो चलो भाई अभी जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं और फटाफट से इसको लेकर चलते हैं सीधा उस जगह पर, जब तक यहाँ पर जो लामार और लामार के फ्रेंड्स हैं सारी की सारी गाड़ियां वहां से लाकर इस जगह पर रखेंगे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर मैं निकल लेता हूं गाइस सीधा उसी जगह पे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे लामार ने आने के लिए कहा था। तो लामार ने कहा था यहां पर आकर इस वाली गली के अंदर लेफ्ट हो जाना। तो गाइस अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़े करता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से इस गली के अंदर चलते हैं। वैसे यार देखो लामार ने तो मेरे को यही लोकेशन दी थी कि जैसे तुम इस गली में सामने जाओगे तुम्हें रेलवे ट्रैक दिखेगा और वहीं पर उसने वाली ट्रेन मंगवा दी है। तो भी जल्दी से चलकर देखते हैं यहां पर वो ट्रेन है या फिर नहीं। फिलहाल सामने की तरफ में एक इंजन तो खड़ा हुआ है, काश यार उसी ट्रेन का इंजन हो जिसको हम लोग ढूंढने के लिए आए हैं। और यार मैं भी इतनी देर से सोच रहा हूं कि आखिरकार ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसके अंदर हम लोग 50 गाड़ियां एक साथ लोड करवा सकते हैं। तो यार देखो ये वो ट्रेन है, और मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज आई थी। तो यार देखो ये जो ट्रेन है ना इसके अंदर कार कैरियर लगे हुए हैं, तो काफी ज्यादा आराम से 50 के और ही ज्यादा गाड़ियां चले जाएगी। तो भी जल्दी से हम लोग यहां पर अपने इंजन में बैठते हैं और फटाफट से अपने इंजन को अपनी पूरी की पूरी ट्रेन को लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां पर लमार और उसके दोस्त गाड़ियां लोड करवा रहे हैं। तो जल्दी से मैं बैठ जाता हूं सबसे पहले गाड़ी के अंदर। और ये जो ट्रेन है ना गाइस मुझे बहुत ज्यादा संभाल के चलानी है, वरना डीरेल भी हो सकती है। मतलब आप लोग को पता होगा कि जब भी ट्रेन का क्या सिस्टम होता है ना, जब भी शार्प कट आते हैं ना तो मैं अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए, वरना जो पीछे वाले डिब्बे होते हैं ना वो पटरी से उतर भी सकते हैं। अब यार देखो ट्रेन चलाने का मेरा इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम स्पीड में ही चलाऊं, क्योंकि यार इतनी सारी गाड़ियां हैं। अगर अभी डीरेल हो जाता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है क्योंकि फिर हम दूसरी ट्रेन का जुगाड़ कहां से करेंगे। ट्रेन कोई सस्ती चीज नहीं है यार, ठीक है। तो अभी मेरे को बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे अपनी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ानी। यहाँ पर ये देखो जैसे वो रेड होगा ना ऊपर आप देख पा रहे हो मीटर, वही चांस है यहाँ पर डीरेल होने के। तो जब भी कट आएंगे, जब भी पटरियां चेंज होगी, तो मुझे अपनी ट्रेन की स्पीड कम करनी है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी ट्रेन को लेकर अंडरग्राउंड आ चुका हूँ। और गाइस अभी ना पीछे काफी ज्यादा शार्प कट आया था जहां पर मेरी ट्रेन सच्ची में डीरेल होते होते बची है। और वैसे गाइस अभी मैं उस जगह पे पहुंचने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से ना अब तक लामार के दोस्तों ने सारी की सारी गाड़ियां जो है उधर से इस जगह पर ले आए होंगे। तो चलो कोई नहीं, बिफटर से वहां पहुंचाते हैं। तो चलो
गाइस यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर काफी ज्यादा प्यार से, और ये जो ट्रेन है ना गाइस अब बस हमें उस वाले गांव तक पहुंचा दे जहां पर हमारा शोरूम है। तो भी जल्दी से चलकर देखते हैं सारी गाड़ियां आई या फिर नहीं आई। तो चलो गाइस अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वैसे यार ये पूरी 50 गाड़ियां नहीं है, ये मेरे को 50 तो नहीं उसकी आधी 25 गाड़ियां लग रही है, 25 या 30 गाड़ियां है। तो भी ना गाइस जल्दी से अपनी ट्रेन को मैं यहीं पर रोकता हूं। सबसे पहले ना गाइस यहां पर इसमें से एकदम आराम से उतरते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं इंजन से बाहर आ चुका हूं, जल्दी से चलते हैं सीधा लामार के पास, देखते हैं आगे क्या करना है। क्योंकि यार ये सारी की सारी गाड़ियां नहीं है और मेरे को भी नहीं लग रहा था कि इस पे 50 गाड़ियां आ पाएंगी, लेकिन यार फिर भी 40 गाड़ियां तो आराम से आई जाएंगी, बाकी 10 गाड़ियां हम लोग बाद में आराम से लाएंगे। तो चलो यार अभी ना जल्दी से लामार से बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। वैसे यार ये देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है गाड़ियां साथ में खड़े हुए। और यार अभी ना एक दिक्कत की बात यह है कि अभी जो अपना काम है ना गाइस वो 1% कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी सारी की सारी गाड़ियां हमें इस ट्रेन के जो कैरियर है उसके ऊपर लोड करवानी है, उसके बाद इसे गांव ले जाना है, वहां पर उतार के ट्रेलर पे लोड करवानी है, उसके बाद अपने शोरूम में ले जानी है। गाइस आज तो हालत खराब होने वाली है, तो चलो यार अभी से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो गाइस फाइनली पूरी की पूरी एक घंटे बाद हम सब ने मिलकर सारी की सारी गाड़ियां अपने ट्रेन कार कैरियर के ऊपर लोड करवा दिया है। एक बार ही ना गाइस आगे से चलकर मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार अब जो अपनी ट्रेन है वो कैसी लग रही है। तो यार ये देखो ये अपना एक कार कैरियर है और इसके ऊपर हमने 5 गाड़ियां रखवाई है। अब यहां पर एक गाड़ी और आ जाती बट हमने स्पेस छोड़ दिया ताकि उतारने चढ़ाने में दिक्कत ना हो। अभी चढ़ा तो दी बट फिर उतारने में दिक्कत होती, इसलिए अगर थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिलहाल अपनी ट्रेन में टोटल 8 डब्बे हैं और हर डब्बे के अंदर हमने 5 गाड़ियां रखवाई, यानी टोटल 40 गाड़ियां हैं। और जो बाकी 10 गाड़ियां ना वो लामार कह रहा बाद में आ जाएगी, क्योंकि अभी 2 डब्बों का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। तो चलो यार अभी ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से चलते अपनी ट्रेन में और फटाफट से निकल लेते अपने शोरूम के लिए। और इस टाइम ना गाइस लामार और उसके फ्रेंड्स हमारे साथ चलने वाले हैं, क्योंकि यार आप लोग को पता है वहां पर जाकर अभी गाड़ी उतारनी भी तो है सारी की सारी, तो ये लोग वहां भी हेल्प कर देंगे। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहां पर मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ता हूं और अभी फटाफट, यहां तो जगह है नहीं, मैं ऊपर से ही चले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ना गाइस जल्दी से हमें ट्रेन के अंदर जाना है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा अपने इंजन के अंदर, और यहां पर शायद से बैनी भी अंदर आके बैठ गया था। तो चलो गाइस यार बैनी भी बैठा हुआ है, अभी फटाफट से अपनी ट्रेन को यहां पर मैं स्टार्ट कर लेता हूं, हॉर्न वॉर्न भी मार देता थोड़ा सा ताकि कोई आगे आ रहा हो तो उसे कोई दिक्कत ना आए। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो कितने ज्यादा बढ़िया नजारे हैं सामने के। तो अभी यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से यार मैं अपनी ट्रेन को लेकर निकल लेता हूं सीधा अपने शोरूम के लिए। और गाइस मेरे को जो मेन चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि जो अपनी ट्रेन है ना गाइस वो मैं ज्यादा तेज ना चलाऊं, वरना यार ये डीरेल हो जाएगी, यानी पटरी से उतर जाएगी और सबका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए ना मेरे को थोड़ी बहुत आराम से चलानी है और एकदम आराम से पहुंचाना है। तो गाइस यार एक बार ही ना आप लोग यहां पर पीछे की तरफ में नजर डालो यार, कितनी सारी गाड़ियां हम लोग एक ही बार में लेकर जा रहे हैं। वहां पर तो कम लग रही थी बट अब देखो यार कितनी ज्यादा लग रही है। अभी ना पूरे पूरे लॉस सैंटोस के बंदे ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या है भाई, इतनी सारी गाड़ियां कहां जा रही है। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी ट्रेन को लेकर इस टनल से बाहर आ गए हैं, और गाइस अब हम लोग काफी ज्यादा शांति से अपनी ट्रेन को थोड़ा बहुत तेज चला सकते हैं। वैसे यार देखो अभी भी तेज नहीं चला सकते, जब तक एक सीधा ट्रैक नहीं आ जाएगा ना तब तक तेज चलाने का कोई भी फायदा नहीं है, अदरवाइज भाई डीरेल होने के 100% चांस है। तो वैसे ये जो ट्रैक है ना यहाँ पर थोड़ा सही है, तो अब मैं अपनी ट्रेन को थोड़ा बहुत तेज भगा सकता हूँ, वरना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इसके जो मतलब कि टायर्स है ना उसमें से कैसे चिंगारी की आवाज आ रही है। वैसे यार इतनी सारी गाड़ियों को देख के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, भाई आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल मैं अपनी ट्रेन को लेकर काफी ज्यादा आगे पहुंच गया, और गाइस आगे से ना ट्रैक चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे ना अपनी ट्रेन को रोकना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जो ट्रैक है ना गाइस लेफ्ट ही जाने वाला है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। तो देखो यार मेरे दिमाग में ये डाउट आया था कि अगर ये जो ट्रैक है यहाँ से राइट चले जाएगा ना तो हम लोग वहां जाने की बजाय पलीटो पहुंच जाते, तो अभी जो अपना रेलवे ट्रैक है वो बिल्कुल सही जा रहा है, बस हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और फटाफट से चलना है सीधा उस जगह पे। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जल्दी से अपनी ट्रेन को गाइस यार मैं यहीं पर रोक लेता हूँ, इससे ज्यादा आगे हमें नहीं ले जाना। और गाइस अगर इस तरीके से मैं ब्रेक लगाऊं ना, इस टाइम पर डिस्क ब्रेक लगाई है क्योंकि यार ट्रेन फिसल भी जाती है। तो यार देखो बिना सीन क्या है, जो अपना रेलवे ट्रैक है यहाँ सीधा जा रहा है पलीटो के लिए, बट अपना जो शोरूम है ना गाइस वो इस साइड पर है, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पर सारी की सारी गाड़ियां उतारेंगे और इस वाले रोड से लेकर आ जाएंगे अपने शोरूम पे, क्योंकि यार ट्रेन तो वहां जाएगी नहीं। तो गाइस अभी जल्दी से मैं अपनी ट्रेन से उतर जाता हूँ। तो चलो भाई आ जाओ सारे के सारे, अब काम पे लग जाओ, बहुत टाइम पास हो गया। वैसे यार सच्ची में ट्रेन के थ्रू तो 40 की 40 गाड़ियां इतनी जल्दी पहुंच गई ना भाई, ट्रेलर से लाता तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता और मान लो बीच में एक्सीडेंट हो जाता तो और ज्यादा गड़बड़। तो गाइस देखो ये जितनी भी गाड़ियां है ना ये ऐसे नहीं उतरेगी, सबसे पहले हमें पीछे वाले डब्बे पे जाना है, वहां से उतारने से स्टार्ट करना है, उसके बाद एक एक करके सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर की निकलेगी फिर ऊपर वाले फ्लोर की निकलेगी, वैसे इतना टाइम भी नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो चलो भाई आ जाओ सारे और यहां से गाड़ियां निकालना स्टार्ट करो।
तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग ने सारी की सारी गाड़ियां जो है स्ट्रेन कार कैरियर के ऊपर से अनलोड करवा के सामने खड़ी कर दी है। तो गाइस अभी ना जल्दी से आगे चलते हैं और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि यार ये सारी गाड़ियां कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो गाइस अभी ना यहां पर लामार के जितने भी फ्रेंड है और बैनी वगैरह तो हमारे साथ सारी गाड़ियां लेकर शोरूम तक छोड़ेंगे। अपने पास अभी ट्रेलर का कोई जुगाड़ नहीं है तो हमें ऐसी काम करना पड़ेगा और इस टाइम लामार हमारे साथ नहीं जाने वाला क्योंकि लामार को ये जो ट्रेन है पलीटो के रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर आनी है क्योंकि यहां पर एक ही ट्रैक है, कोई और ट्रेन आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं। बाकी यार ये लोग तो गाड़ियों में बैठ गए हैं तो हमारे टोटल 5 से 6 राउंड लगेंगे और ये सारी की सारी गाड़ी हम लोग जल्दी से रखवा देंगे। तो चल भाई लामार तू निकल और हम भी निकलते हैं। बाकी यार अपनी ये जो गाड़ी है ना भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। इसकी जो पूरी लुक है ना गाइस वो मैं आपको अपने शोरूम में ही चल के दिखाऊंगा। तो गाइस अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। सच्ची में इस गाड़ी को देख के तो यार एकदम मजे आ गया। तो तुम दोनों भी आ जाओ भाई जल्दी से, तुम दोनों नहीं तुम चारों। वैसे यार इस गाड़ी की ना स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़िया है और ये लोग को ना गाइस अभी अपने शोरूम का रास्ता नहीं पता इसलिए मेरे को साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी बहुत आराम आराम से चलाने वाला हूँ और गाइस ये जो गाड़ी है ना नई भी है तो हमें काफी ज्यादा संभल के चलानी है वरना वहां पर जाकर बैनी को दोबारा से रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर हम लोग नॉर्मली चला कर ले जाएंगे तो वहां पर जाकर बस हमें एक सिंपल वॉश मारना है और अपना जो काम है हो जाएगा। ये लोग कहां पर रह गए, जल्दी से आ जाओ भाई, इधर आना, इधर इधर वो लेफ्ट जा रहे थे। तो चलो कोई नहीं, जल्दी से यहां पर अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूं पीछे वाले रास्ते से। तो चलो गाइस यार फाइनली हम 5 लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं सीधा अपने शोरूम पे और गाइस अब ना मैंने इन लोगों को अपने शोरूम का जो मेन रास्ता है वो दिखा दिया है। इसके बाद ये लोग अपना खुद ही गाड़ियां ला के यहाँ पर रख देंगे, बस एक बार ही मेरे को इन्हें लेकर आना। तो चलो भाई फिलहाल गाड़ी मैंने उतार दिया है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि गाड़ी थोड़ी बहुत गंदी हो गई बट कोई दिक्कत क्यों नहीं, आराम आराम से लाना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। पता चला गाड़ी ठोक दी जल्दबाजी के चक्कर में। तो चलो गाइस अभी जल्दी से यहाँ पर चल के अपनी गाड़ी में यहीं पर खड़ी कर देता हूँ बस। वैसे यार अपना शोरूम काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मुश्किल से 3-4 दिन में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल वो लोग तो अपनी गाड़ियां इस ट्रैक पे पार्क करके बाकी जो गाड़ियां उनको लेने के लिए चले गए हैं। वैसे जो ट्रैक है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है तो ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला इस काम में सारी गाड़ियों को इधर लाने में। तो भी जल्दी से मैं भी अपनी गाड़ी को इधर पार्क करता हूं और जो बची कुची गाड़ियां हैं यार उनको जल्दी से लेकर आते हैं, इस काम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो गाइस यार मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हुआ कि कोई गाड़ी आए और फिर मैं उस रेलवे ट्रैक तक जाऊँ, मेरे को पता क्या लग रहा है कि मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। भाई साहब आपकी क्रेन लेकर चले जाऊंगा। ओके 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 सामने से गाड़ी आ गई, जल्दी से ना ये वाली गाड़ी लेते हैं और इसी को लेकर मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। और ये देखो ये लोग दूसरी वाली गाड़ियां भी ले आए हैं। चलो यार बहुत बढ़िया गाइस, आज ये जो लामार के दोस्त है ना बहुत तेज तेज काम कर रहे हैं, इसके बदले मैंने पैसे दूंगा। भाई साहब अभी एक गाड़ियां रख कर गए और बाकी गाड़ियां भी जल्दी से ले आए। तो भी जल्दी से मैं चलता हूं अपनी येलो वाली गाड़ियां लेने। मैंने सबको बोल दिया है तुम्हें पर्पल वाली लानी है, तुम्हें इस कलर की लानी है और गाइस मैं येलो वाली कार ही लाने वाला हूं। तो अभी जल्दी से चलते हैं वाली कार लेने। बाकी मैं किस रास्ते से आया था मैं थोड़ा सा भूल गया हूं बट जहां तक मुझे याद है यही रास्ता था। चलो यार अभी जल्दी से चलते हैं और अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी पकाते पकाते उसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर हमारी सारी की सारी गाड़ी हमने लोड करवाई थी और गाइस यार यहां पर एक ट्रेन और आ गई। तो चलो यार सबसे पहले इसको जाने दो। बाकी तो यार यहां पर देखो वो लोग ने अपनी गाड़ियां कितनी ज्यादा खाली कर दी और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी लेके आऊं। चलो कोई नहीं यार अभी ना जल्दी से यहां पर हम लोग अपनी दूसरी गाड़ी भी उठाते हैं और एक गाड़ी यहीं पर खड़ी कर देते हैं सर्विसिंग के लिए। जो बंदा हमें यहां पर दोबारा लेने आएगा वो इसका काम करेगा। तो चलो यार अभी जल्दी से इस वाली गाड़ी के अंदर बैठता हूं और फटाफट गाइस यार इसको भी लेकर यहां से मैं निकल लेता हूं। वैसे वाला जो रास्ता है बिल्कुल सीधा है तो ज्यादा टाइम अपने को लगने नहीं वाला। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल इस बार मैं अपनी गाड़ी को कुछ अच्छे रास्ते से लेकर आया हूं और आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो कि अब मैं अपनी गाड़ी को कितना तेज चला रहा हूं। वैसे यार देखो अगर टूटती फूटती है ना तो बैनी किस लिए, वो आराम से रिपेयर कर देगा। तो बिना गाइस जल्दी से हमें इस वाले कट से यहां पर लेफ्ट लेनी थी, अब बस यहां से राइट लेनी है। अगर मैं इस तरीके से लाऊंगा ना तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है गाड़ियों को यहां पर लाना। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहां पर अंदर लेकर चलते हैं और अपना सारा काम गाइस बस कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कि अभी ना फिलहाल हम सब ने मिलकर सारी की सारी गाड़ियों को अपने शोरूम के सामने एकदम बढ़िया तरीके से पार्क कर दिया है। और गाइस अभी अभी ना मेरे को लेस्टर का कॉल आया था और वो कह रहा है कि ना जल्दी से जल्दी अपने घर पर मिलने के लिए आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अब यार देखो लेस्टर के पास ना मेरे को वैसे भी जाना था क्योंकि अभी ये जो शोरूम का यहाँ पर मालिक है ना वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे को पेमेंट कर दोगे तो वो शोरूम है ना हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 या 1 दिन के अंदर ही कंप्लीट करवा देगा क्योंकि गाइस अभी ना छोटा मोटा काम यहाँ पर रह गया है। तो ये रहा वो, इससे जल्दी से मैं बात करता हूँ कि आखिरकार कितनी पेमेंट करनी है। पहले $300 मिलियन की बात हुई थी बट एक बार और पूछ लेता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस बिल्डर से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि $300 मिलियन नहीं $450 मिलियन क्योंकि यार जब हमने बात करी थी ना तो हमने सिर्फ शोरूम की बात करी थी बट उसके बाद हमने यहाँ पर इतना बड़ा ट्रैक बनाया, पीछे भी ट्रैक बनवाया। तो ये कह रहा है उन सब के एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के टोटल $450 मिलियन तुम्हें देने हैं। भाई सब कुछ ज्यादा महंगा पड़ गया है हमें शोरूम। खैर छोड़ो जो भी है, अभी ना गाइस जल्दी से काम करता हूँ, ये वाली जो फरारी है ना इसको लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए लेस्टर के पास। बाकी यार ये लोग अपना यहाँ पर मैनेज करते रहेंगे, बाकी सिक्योरिटी वगैरह की इतनी जरूरत तो है नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से लेकर निकल लेता हूँ आराम से भाई, मेरे को चलानी आती है। तो चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मोड़ते हैं और एक मिनट भाई साहब, एक मिनट ड्रिल दो
मिनट बात कर लेना। तो चलो भाई अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ मैं सीधा लॉस सैंटोस। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं अपनी फरारी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा वाइनवुड हिल्स। और गाइस मेरे को ना लेस्टर ने बोला था कि फ्रैंकलिन के घर पर आना है, लेस्टर के घर पर नहीं जाना। तो गाइस अभी ना जल्दी से इस वाले कट से मैं लेफ्ट लेता हूँ और चल कर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। वैसे यार ये जो अपनी फरारी है ना भाई उसके कंट्रोल्स बहुत ज्यादा बढ़िया है, मतलब इस टाइप के हिल वाले रास्ते पर भी आराम से कट ले रही है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं पहुंच चुका हूँ फ्रैंकलिन के घर पर, अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं। और यार इतनी सी दूर में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यार ये कितनी ज्यादा गंदी हो गई। तो चलो यार छोड़ो जो भी है अभी जल्दी से चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं क्या सीन है। लेस्टर ने यहाँ पर किस लिए मिलने के लिए बुलाया है? वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई न्यू प्लान ही होगा। लेस्टर कह रहा था काफी टाइम से हमें एक बड़ी हाइस्ट करनी है, फिलहाल यहाँ पर ये तीनों बैठ के तो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। जल्दी से लेस्टर से बात करते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर ने मेरे को एक सिक्योरिटी ब्रीफकेस दिया है जिसका पासवर्ड है Lester123 और बिना पासवर्ड डाले इस ब्रीफकेस को कोई भी नहीं खोल सकता। तो यार हमें करना क्या है, इस ब्रीफकेस को ले जाके बिग माफिया के भाई को देना है। आप लोग को याद होगा जितना भी हमने डेटा चुराया था ना गवर्नमेंट फैसिलिटी से, तो वो सारा का सारा डेटा लेस्टर ने एक लैपटॉप में डालकर इस वाले ब्रीफकेस के अंदर रख दिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं। आजा भाई ट्रेवर, अभी फटाफट से गाइस हम लोग जाने वाले हैं जहां पर बिग माफिया ने हमें बुलाया है। तो गाइस एक बार ना सबसे पहले वो जगह मैं मैप में चेक कर लेता हूं कि आखिरकार हमें जाना कहां पर है। तो यार देखो ये लोकेशन है हमें लेस्टर ने दिया है और इसी जगह पर बिग माफिया का भाई मिलने के लिए आ रहा है। तो गाइस अभी जल्दी से मैं अपनी फरारी को यहां से बाहर निकालता हूं। वैसे यार अभी एक ही दिन चलाई है और ये इतनी ज्यादा गंदी होगी। खैर छोड़ो कोई नहीं, अभी फटाफट से ना आगे से मैं वॉश भी करवा लूंगा। और अभी इसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं है तो वो भी लगवानी है। और एक फरारी गाइस मैं अपने पास ही रखने वाला हूं क्योंकि यार ये जो गाड़ी है ना इसने भाई सच्ची में दिल छू लिया है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ना इसकी कंट्रोलिंग इतनी ज्यादा बढ़िया लग रही है ना मेरे को कि इसको चलाने के बाद किसी और गाड़ी को चलाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी पकाते पकाते पहुंच चुका हूं सीधा कार वॉश की शॉप पर। बस मुझे आगे वाले कट से राइट लेना था और ये भाई साहब हल्की सी ड्रिफ्ट थी, ड्रिफ्ट तो लगी बट कुछ ज्यादा जल्दी गाड़ी स्टॉप हो गई। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहां से लेफ्ट मोड़ते हैं और ये आगे कार वॉश की शॉप, जल्दी से चलते हैं इसके अंदर और फटाफट से मैं अपनी फरारी 812 को वॉश करवा लेता हूं। अब यार देखो इसका मेरे को एग्जैक्ट मॉडल तो नहीं पता, अगर आप इसका एग्जैक्ट मॉडल पता कर पाओ तो यार कमेंट में जरूर बताना। तो चलो यार अभी जल्दी से इस गाड़ी को वॉश करवाते हैं, बाकी यार कब पानी डालोगे उस पर इतनी देर होगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल अपनी गाड़ी पे फुल एकदम फुहारे वुहारे लगा के ब्रश मार दिया है, बस अभी थोड़ी बहुत ड्राई करनी है और राइट लेफ्ट भी ब्रश लगेगा। तो चलो गाइस फाइनली अपनी जो गाड़ी है वो वॉश हो गई है, बस थोड़ी सी ड्राई होनी बाकी है, थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी बाकी तो पूरी ड्राई हो जाएगी। और ये क्या वॉश करेगा भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, यहाँ पर गंदगी की तो अभी भी लगी हुई है, लेकिन 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 साफ होगी साफ होगी। भाई मेरे को लग रहा था कि इन्होंने बढ़िया तरीके से वॉश नहीं करी, बट वो सूखी नहीं थी ना तो इसलिए वो गंदा पानी उस पर चिपका हुआ था। तो चलो यार फाइनली अपनी जो गाड़ी है भाई पूरी एकदम नई हो गई है। तो चलो यार अभी जल्दी से लेकर यहाँ पर से मैं बाहर निकलता हूँ। टायर एकदम गीले हैं तो अभी स्लिप होंगे, इसलिए अभी थोड़ा सा आराम से चलाऊंगा, उसके बाद हाईवे पकड़ते ही इसे भगाएंगे सीधा 300 किलोमीटर पर आवर से। अभी फिलहाल चलते हैं सीधा बिग माफिया के भाई के पास। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा हाईवे पर। और गाइस इतनी देर से मैं गाड़ी की तारीफ क्यों कर रहा था वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यार ये देखो ये जो आपने अभी कटिंग देखी ना ये बहुत ही कम गाड़ियों में प्रॉपर हो पाती है, लेकिन यार ये जो गाड़ी है ना इसके अंदर एकदम प्रॉपर नहीं एक्सीलेंट हो रही है, मतलब इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना इस गाड़ी को चलाने में, ये देखो भाई एकदम अलग ही मजा है। तो चलो अभी जल्दी से गाड़ी को आगे लेकर चलता हूं और फिलहाल ये आगे गवर्नमेंट फैसिलिटी और उसके आगे आ जाएगी गाइस वॉली फैक्ट्री। ओ भाई एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, ये ट्रक वाला पिटेगा, जब दिख रहा है गाड़ी ठुकी तो उसने कैसे ठुकी, पहले ट्रक वाले भाई क्या हो गया बंदों को धराते रही ऐसी की तैसी। भाई जब दिख रहा है यहां पर गाड़ी ठुक गई है तो एक मिनट के लिए ब्रेक नहीं मार सकता। ओ भाई एक सेकंड जो एक सेकंड भाई यहाँ तो कुछ गलत ही सीन हो गया, रोक लो भाई मेरी फरारी आ गया कि गोली किसने मारी यहाँ पर। अच्छा जी पीछे से बेलास गैंग आ गई, फटाफट फटाफट कवर ले, पहले तो पहले इनका मैं मुंह तोड़ूंगा बॉस भाई, हर देश के इसकी भैंस की डांस। जहाँ पर गाइस काफी सारे ना गैंग के बंदे आ गए हैं, पहले इनका मुंह तोड़ना पड़ेगा तो ही कुछ हो पाएगा। वो देखो ग्रीन गैंग के बंदे सामने से भाग के जा रहे हैं और आपको तो पता ही है इस टाइम ग्रीन गैंग बेलास गैंग सारी गैंग एक हो चुकी है। ये देखो ये बेलास गैंग पूरी लॉस्ट गैंग, भाई ये क्या ही सीन हो रहा है, ड्राइवर भागना पड़ेगा वरना अपनी फरारी तोड़ डालेंगे। तो गाइस अभी ना फिलहाल इधर कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो चुका है, सामने की तरफ से ना बेलास गैंग के बंदे भी आए जा रहे हैं गाड़ी लेकर। अबे तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, यहाँ पर बंदे एकदम ही सटिया गए हैं, गाड़ी वाड़ी चलानी आ नहीं रही है, सीधा लाल आके बस ठोके जा रहे हैं। तो भी देखता हूँ आखिरकार और कौन बचा है, इसको मार के ना गाइस जल्दी से अपनी फरारी लेकर यहाँ से निकलता हूँ, वरना यार इन लोग से ना फाइट लेने का कोई भी फायदा नहीं है भाई, ये एकदम गधे हैं, बीच हाईवे में गाड़ी रोक के लड़ने लग गए। भाई मैं मार किसको रहा था, इन्होंने पहले गोलियां चला दी। बाकी यार अपनी जल्दी से मैं अपनी फरारी लेता हूँ, ट्रैवर कहाँ रहेगा, ट्रैवर जल्दी से आगे गाड़ी में बैठ। ये देखो भाई पता नहीं कौन कौन आके भाई बेमतलब की फाइट ले रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, वो देखो ट्रैवर रोड के बीच में भिड़े गए। रुक जा मैं तेरे पास गाड़ी लेकर आता हूँ, भाई इतना ज्यादा गलत सीन पहली बार देख रहा हूँ, फटाफट से बैठ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रैवर भी हमारी गाड़ी में आकर बैठ चुका है, भाई बंदे ना बिल्कुल ही अंधे हो गए हैं, देख रहे हो
भाई साहब कुछ सीन भी नहीं हो रहा, पता नहीं किस लिए गाड़ियों पे गाड़ियां ठोके जा रहे हैं। भाई यहाँ रहूंगा ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऊपर से मैंने मास्क भी लगा रखा है। फिलहाल अगर गैंग के बंदों ने देखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अगर पुलिस वालों ने देख लिया ना तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपने काम पे निकल लेता हूँ, पहले ब्रीफ केस देंगे, फिर उनके बाद इन गैंग वालों से मैं निपटूंगा। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते उस फैक्ट्री के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूँ। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को अंदर राइट लेना है। फिलहाल सामने की तरफ में थोड़ी बहुत लॉस्ट गैंग के बंदे जा रहे हैं, वैसे यार अभी ना मेरे को इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मुझे मालूम है इनकी गैंग खतरनाक हो गई, बट अपने को इतना कोई डर नहीं मारा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ, और यही वो जगह है जहाँ पर मेरे को लेस्टर ने मतलब जाने के लिए बोला था, और बिग माफिया यहीं पर आने वाला है। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलता हूँ, बट एक सेकेंड यहाँ पर लॉस्ट गैंग वालों की वैन क्या कर रही है भाई, मुझे पता नहीं क्यों यार गड़बड़ सी थोड़ी बहुत लग रही है, बट क्या पता लॉस्ट गैंग वाले वैसे यहाँ पर आए हो। तो यार अभी ना फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार सीन क्या है। फिलहाल सामने की तरफ से कोई फायर कर रहा है, उसकी ऐसी की तस्वीर वहां पर ऊपर का कुछ बंदे हैं, और पीछे से भी लॉस्ट गैंग के बंदे, तुम्हारी भैंस के नाम पीछे से भी काफी सारे लॉस्ट गैंग के बंदे आ गए। अब ये सारे के सारे हमसे पहले तो पिटने वाले हैं, तुम्हारी भैंस के नाम आ कहां से रहे हैं भाग भाग के भाई। अच्छा इन लोग को मैंने हाईवे पे मारा था, तब से ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और भाग कर यहाँ पर आ गए, बट सामने अगर इतनी सारी वैन खड़ी है तो भाई कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। भाई साहब वो देखो सामने की तरफ से एक बंदा और मार रहा है, इसकी भैंस की रख रख के बचाई है, फिर भी उठ जाएगा भाई साहब। जल्दी 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 ड्राइवर गाड़ी में बैठे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है सीन क्या है। बिग माफिया का भाई यहाँ पर आने वाला था, बट ये लोस गैंग के बंदे क्या करने आ गए। भाई साहब सामने की तरफ से भी काफी सारे बंदे भागते आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ अपनी गाड़ी यार मेरे को साइड में खड़ी करनी है, रुको रुको रुको। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल बहुत ज्यादा मजाक हो गया, आज मैं इस लॉस गैंग को ना पूरा का पूरा खत्म करके जाऊंगा। ये गंजे को देखो कहां से झांक रहा है, बेचारे की बहुत ही बुरी तरह शॉट पड़ा है, इसके भी बचा दिया मैंने। सामने की तरफ में एक और है, उसके बचा दिया। पीछे से भी यार कोई मारने की कोशिश तो कर रहा है, बट वो नजर नहीं आ रहा मुझे, कन्फर्म है कि ये खड़ा गंजा, वही मैं सोचू दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मैंने इसके भी बचा दिया। ड्राइवर एक काम कर जल्दी से गाड़ी में बैठ, पीछे की तरफ से आते हैं इनका मुंह तोड़ने। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने इनके काफी सारे बंदे मार दिए, और ये जो वैन आप देख पा रहे हो ना इसके ऊपर हमने 5-6 बॉम्ब भी लगा दिए ताकि हम लोग इनकी वैन ब्लास्ट कर यहाँ से निकल लें। बाकी यार अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार लेस्टर ने हमसे झूठ बोला है। वैसे लेस्टर तो झूठ बोलेगा नहीं, मेरे को पता क्या लग रहा है कि बिग माफिया के भाई ने हमें धोखा दिया है। भाई ये देखो मतलब कि उसने यही लोकेशन दी थी, और यहाँ पर ये लॉस्ट गैंग पहले से क्या कर रही थी मेरे को ये नहीं समझ आया। सबसे पहले अपनी गाड़ी को यहाँ पर पीछे करता हूँ, बेटा बहुत तुम्हारा हो गया, निकलो यहाँ से सारे के सारे। इतनी देर से मैं मजाक कर रहा हूँ, हमसे छोड़े होंगे भाई। स्टिकी बॉम्ब हमेशा मैं इसीलिए अपने साथ रखता हूँ क्योंकि मेरे को पता है भैया कभी भी दिक्कत हो सकती है, तो अभी फिलहाल हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा सबसे पहले तो। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को पीछे वाले रास्ते से लेकर आ गया हूँ, और अगर आप सामने की तरफ में देखोगे ना तो ये लोग ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं, और एक दो नहीं काफी सारे बंदे, एक ये रहा एक ये भी है, तुम भी निकल, ये देखो कैसे भाग कर आ रहा है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल बहुत मजाक हो गया, अब ना मैं इनकी पूरी की पूरी गैंग को खत्म करने वाला हूँ, वरना यार ये हमेशा आके हमें परेशानी करेंगे। अब आ जाओ बेटा जिसके अंदर दम है, सबका मुंह तोड़ूंगा बहुत ही बुरी तरह। M249 मैंने अपनी निकाल लिया फुल रीलोड करके। चल भाई ड्राइवर जल्दी से आ, जितने भी बंदे ना गाइस सारे के सारे अपना हमसे बहुत ही बुरी तरह मरने वाले हैं। अंदर है क्या कोई? वैसे यार यहाँ पर कोई गैस वैस का सिस्टम ना हो, कहीं पता चले मैं फायर करूँ और ब्लास्ट हो जाए पूरी की पूरी जगह। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं भाग कर ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ, तो सामने की तरफ से ना काफी सारे बंदे यहाँ पर एक के बाद एक आए जा रहे हैं। भाई साहब इधर तो बहुत ही ज्यादा गलत सीन है, मेरे को पता है क्या लग रहा है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना यार ये लोग ना बहुत ही बुरी तरह हमें मारेंगे। वैसे यार इस तरफ में तो कोई भी नहीं है, बाकी नीचे के जितने भी बंदे थे ना मेरे को लग रहा है सारे आकर ना ऊपर छुप के बैठे हुए थे। इनका प्लान ये था कि जब हम लोग यहाँ पर आएंगे ना तब ये हमें मार देंगे। ओ भाई ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, मैं सही बता रहा हूँ जगह पे बॉम्ब फोड़ दूंगा, वरना यहाँ से तुम सारे के सारे निकल लो। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल बहुत मजाक हो गया, अब ये सारे के सारे ना मेरे से बहुत ही बुरी तरह पिटने वाले हैं। बस अब तुम देखते जाओ यहाँ पर इनके किस तरीके से देसी कट्टे पड़ेंगे। इधर तेरी ऐसी दसी निकल यहाँ से, अभी इनके रख रख के बजाऊंगा ना गाइस तो इनके समझ आने वाली है। वैसे यार बंदे तो ये काफी ज्यादा है, इनसे फाइट लेना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर कवर लेता हूँ। भाई साहब सामने की तरफ से भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं, और ऊपर भी चढ़ चढ़ के ना गाइस काफी सारे बैठे हुए हैं। ये देखो एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, भाई ये तो काफी ज्यादा बंदे हैं। ड्राइवर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना ये लोग हमें बहुत ही बुरी तरह मारेंगे। तो गाइस यार इस टाइम ना ये सिचुएशन हार्ड से इम्पॉसिबल में कन्वर्ट हो गया है। भाई ड्राइवर भी भाग कर पीछे की तरफ में आ गया कवर लेने के लिए। अभी फिलहाल यहाँ की तरफ में तो आपको बंदे नहीं दिख रहे होंगे, बट सामने की तरफ से ऊपर की तरफ से यहाँ पर एक के बाद एक बंदे आए जा रहे हैं, जिनको मारना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। ड्राइवर जल्दी से ना यहाँ से निकलते हैं, फिर ही देखा जाएगा क्या करना है, बट अभी निकलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि नीचे भी काफी सारे बंदे हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ड्राइवर और मैं भाग कर आ गए हैं सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर। गाइस यहाँ पर से तो काफी ज्यादा बढ़िया व्यू मिल रहा है इन लोग को मारने का। अब आ जाओ बेटा जिसके अंदर दम है, सबका बहुत ही बुरी तरह मुंह तोड़ूंगा। वैसे जो बंदे पीछे की तरफ से आएंगे ना मेरे को उनका भी थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस एक सेकंड, ये लोग कहाँ से आते हैं भाई तुम्हारी ऐसी तरफ से? नहीं 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 गाइस, बिग माफिया के भाई ने हमें बचाने के लिए सिक्योरिटी भेज दिया है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी आराम से ना सबसे पहले एक बार मैं बिग माफिया के भाई को कॉल करके थैंक यू बोल देता हूँ।
वैसे वो बाद वो काम बाद में भी हो जाएगा, बट अभी सबसे पहले इनका मुंह तोड़ना जरूरी है। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ यार, ये लोग एक एक गोली में ही सबको डाउन कर देंगे। ये देखो भाई पांच बंदे हैं, टोटल चार हैं, कुछ नहीं पांच है, पांचवा नीचे है भाई। सिर्फ एक गोली चला रहे हैं और उनके तीन तीन बंदे डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इनकी पता नहीं कौन सी लेजर वाली मिनी गन है जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी है। तो चलो यार अभी फिलहाल हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी भाई साहब यहाँ पर से पीछे भी कोई नजर आया कहाँ पर भाई। तो चलो यार अभी जल्दी से ना सबसे पहले हम लोग यहाँ से एग्जिट होते हैं, वरना यार इधर काफी ज्यादा ना अपना टाइम बर्बाद होने वाला है भाई। काफी ज्यादा बंदे तो इधर तो यार छुप के बैठे हुए थे, आ जाओ बेटा जितने भी हो। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग इसी रास्ते से यहाँ पर नीचे उतर लेते हैं। सामने की तरफ में एक बंदा और था, इसको भी मैंने मार दिया। तो गाइस अभी ना बस धीरे धीरे मैं यहाँ से नीचे उतरना है। बाकी यार इसके बंदे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो भी पता नहीं यार, बिग माफिया का भाई कहाँ पर है और ये आज हमें कैसी मुसीबत में फंसा डाला यार सच्ची में। वैसे भी तो फिलहाल हम लोग बच गए हैं, बट अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, वरना ये जो गैंग है भाई इसका पता नहीं है लोग कब तक आते रहेंगे और कब तक हमसे पिटते रहेंगे। अपनी मेरे को सबसे पहले, ओ भाई साहब मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ गया हूँ, तो सबसे पहले ना गाइस यहाँ पर मेरे को अपनी गाड़ी लेनी है, ये खड़ी। तो ड्राइवर जल्दी से आ, बाकी जो बिग माफिया की सिक्योरिटी है ये इन्हें हैंडल कर लेगी, हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जल्दी से ना मैं चलता हूँ सीधा बिग माफिया के भाई के पास। ओ नहीं नहीं अभी गेट टूट जाता। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये लोग सारे के सारे भाग कर आ गए हैं। तो चलो गाइस सर अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। गाइस एक बार ना बिग माफिया के भाई को कॉल भी लगा दूंगा कि आखिरकार वो अब हमें कहाँ पर मिलने वाला है। फिलहाल सामने की तरफ में गाइस कुछ गाड़ियां जो कि बच गई है, तो इनको ना सबसे पहले इसके ऊपर मैं बॉम्ब डाल देता हूँ। यहाँ पर इनको भी तो पता चले कि आखिरकार इन्होंने पंगा लिया किससे है। फिलहाल सामने की तरफ से यार काफी ज्यादा बंदे चल रहे हैं और यार इनकी गाड़ियां फोड़ने के चक्कर में मैं कहीं अपनी गाड़ी ना फोड़ डालूं भाई साहब। दो बारी ठुकी भी मतलब में और एक गाड़ी ये खड़ी भाई, ये लोस गैंग भाई सच्ची में पगला गई है। अरे एक के बाद एक बंदे इतनी जल्दी इनके पहुंच जाते हैं भाई, मैं क्या ही बोलूं। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं इनकी गाड़ी पर बॉम्ब वॉम्ब लगा दिए हैं, एक बार बस फटाफट से यहाँ पर इनकी गाड़ी में एकदम आराम से ब्लास्ट कर देता हूँ। तो चलो भाई अभी फिलहाल यहाँ पर इनका तो पत्ता मैंने साफ कर दिया, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलता हूँ और बीच रास्ते में ना जहाँ पर थोड़ी शांति होगी वहाँ पर खड़े होकर ना एक बार बस बिग माफिया के भाई को मेरे को कॉल लगाना है। तो ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत ठीक लग रही है। अपनी गाड़ी को ना यार यहाँ पर मैं पेड़ के पीछे ही रोक देता हूँ और एक बार बिग माफिया के भाई को कॉल लगा के पूछते हैं कि अब हमें कहाँ पर मिलने के लिए आना है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से बात होगी और गाइस वो कह रहा है कि जो सामने विंडविल वाला माउंटेन है ना वहीं पर आ जाओ, वहीं पर वो हमारा वेट कर रहा है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर ऊपर चलता हूँ। मतलब कि यार बिग माफिया के भाई को ना मालूम पड़ गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी सीन हो रहा है, इसलिए वो ऊपर ही आया और उसने नीचे अपने बंदों को भेजा। वैसे यार इन सब मामलों में कुछ ज्यादा ही समझदार है। यार छोड़ो यार जो भी, अभी जल्दी से मैं भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से ऊपर चलता हूँ। फिलहाल लेफ्ट साइड में एक रास्ता भी है बट ये अपने लिए शॉर्टकट पड़ेगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से मैं लेफ्ट लेता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर इस माउंटेन के एकदम टॉप पर पहुंच चुका हूँ। सामने की तरफ भी कुछ हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं और ये बिग माफिया के भाई कहीं हैं। तो भी जल्दी से ना गाइस यार अपनी गाड़ी को इधर ही पार्क करते हैं और फटाफट से ये जो ब्रीफ केस है जिसके अंदर लैपटॉप है ये ले जाकर मैं बिग माफिया के भाई को दे देता हूँ। तो चलो यार अपना काम कंप्लीट। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई को मैंने वो सिक्योरिटी ब्रीफ केस दे दिया है, साथ के साथ उसका पासवर्ड भी बता दिया, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वहाँ पर जाकर ये पासवर्ड ही नहीं खोल पा रहा तो फिर ये लैपटॉप ही कहाँ से निकालेगा उसमें से। तो चलो गाइस अभी फिलहाल अपना काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब बिग माफिया के भाई का हमारे ऊपर कोई भी उधार नहीं रह गया है। तो भी ना गाइस जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए और बिग माफिया का भाई जाएगा सीधा अपना नॉर्थ यंगटन। वैसे मैं लॉस सैंटोस क्यों जा रहा हूँ भाई, मेरे को अपना शोरूम भी तो देखना है, उसके अंदर गाड़ियाँ कैसे रखनी है क्या रखनी है। बाकी अभी हाँ यार लेस्टर से $300 मिलियन लेने हैं, फिर ले जाके पेमेंट करनी है। बाकी भी मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत पैसा आएगा ना तो गाइस हम लोग अपना एक नया बड़ा शोरूम बनवाएंगे। यार इस गाड़ी की ना धचिया उड़ा दी भाई सच्ची में, प्लीज सीधी हो जाओ। ओके तो चलो यार ये सीधी हो गई। तो अभी ना एक नया शोरूम बनाना है तो आप लोग बताना कि मुझे बनवाना चाहिए या फिर नहीं, इससे बड़ा बनवाएंगे, इससे तगड़ा तो नहीं होगा क्योंकि यार ये भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो चलो गाइस यार आज की वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 670,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो भी चैनल पर नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।